क्या है भाभी जी की गाना गाते वक्त क्या है कि जो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो सूख जाती हैं, जरा पानी पिलाइए प्लीज। हाँ वो भी लाते हैं। तिवारी जी जब आप गाना गाते हैं तो आपका सूखता है गला, और जब आप गाएंगे तो आपका भी सूखेगा गला, आप गीला कर लीजिएगा। जी मैं गीला हो जाऊंगा पानी से। बेहतर बेहतर। लाइव भाभी जी लाइव। थैंक यू वेरी मच। आप वहां खड़े होकर सुनिएगा, मजा आएगा आपको। हाँ हाँ। से इतनी बहस करते हैं आप, गाना सीखिए ना, आपको पता है ना हमको गाना बहुत अच्छा लगता है। फूलों का तारों का सबका कहना है। तिवारी जी बस हो गया आज का, बस अब जाइए आप, बस हो गया। आप क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? देखिए आप हमसे फिर बहस कर रहे हैं, ये उस्ताद से बहस कर रहे हैं। काहे आप उस्ताद जी से बहस किया रहे हैं? हाँ चलिए ना, अब चलिए हम रियाज करते हैं। छोड़िए ना आप, चलिए अब सरा। तुझसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? कि फिल्म कभी कभी गाना गाना, तू ये बहन को क्यों ले आया बीच में? हाँ अरे मैं क्या करूँ, मुझे आज सुबह से मेरी बहन की बहुत याद आ रही है, मेरे मुँह से सारे गाने बहन के निकल रहे हैं। बहन को छोड़, तेरे को एक और गाना गाना है, दिल तो पागल है, बोल याद है? हाँ हाँ हाँ। धुन याद है? हाँ हाँ। सुना से पल्ला पड़ा है। नमस्ते अनीता जी। अंगूरी जी आप कैसी हैं? आई एम फाइन। सो क्यूट। कहाँ है उस्ताद? उस्ताद कौन? उस्ताद हमने लड्डू के भैया के उस्ताद। कौन? भरभूति जी। अरे एक मिनट, तिवारी जी के उस्ताद विभू? ये हमने लड्डू के भैया को गाना जो सिखा रहे हैं। विभू तिवारी जी को गाना सिखा रहे हैं? Are you sure? स्वर। लेकिन विभू को तो गाना का गाते हैं वो, का गाते हैं, का आवाज है उनकी। हाय हाय हाय। मर गए। एक्चुअली विभू ने आपको गाना गा के सुनाया था? हाँ हाँ हमने सुना है, इसलिए तो हम उनको पूछने आए हैं कि वो आज आए नहीं लड्डू के भैया को गाना सिखाने। एक्चुअली दैट्स वेरी नाइस, मैं जरूर बता दूंगी विभू को। वो क्या है ना, विभू नहाने गए हैं। आप आइए ना अंदर, चाय नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं हम चाय पी के आए हैं, थैंक यू। अच्छा अब हम चलते हैं। हाँ जी। विभू विभू। या बेबी बैठिए। ये मैं अंगूरी जी से क्या सुन रही हूँ, तुम गाना गाते हो, तिवारी जी को गाना गाना सिखा रहे हो, उनकी गुरु बन बैठे हो। मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्या बात सुनूं, अंगूरी जी झूठ तो नहीं बोल रही होंगी ना? हमारी शादी को 7 साल हो गए, 7 साल बाद अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पति परमेश्वर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो भी किससे, पड़ोसियों से। दादी मेरी बात तो सुनो, वो क्या है कि मैंने सक्सेना के साथ मिलकर ना ये नाटक किया था। नाटक? कौन सा नाटक? एक्चुअली वो मैं पान की दुकान पर खड़ा था तो तिवारी जी आए, कहने लगे मुझे म्यूजिक सीखना है, कोई म्यूजिक टीचर बताइए। तो मैंने पूछा कितने दोगे, कहने लगे 1000 रुपए पर लेसन। तो मेरा ईमान डोल गया। मतलब मैंने कहा मैं क्यों ना कमा लूं, देखो क्या है कि महीने के 15 लेसन मतलब 15,000 रुपए। आजकल मार्केट बहुत डाउन है, तुम तो देख रही हो, बीमा को कराता नहीं। और लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या थी कि मुझे गाना गाना नहीं आता, तुम तो जानती हो। तो मुझे मालूम पड़ा कि सक्सेना बड़ा अच्छा गाना गाता है, मैंने घेर लिया इसको। अब सिनेरियो ये है कि सक्सेना गाता है
और मैं सामने से मुंह हिलाता हूँ, मतलब लिपसिंग देता हूँ बस। नाटक तो नहीं कर रहे हो, सच बोल रहे हो? सक्सेना से पूछ लो। चलो मान लिया तुम सच बोल रहे हो, लेकिन विभू किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना ये अच्छी बात है क्या? सही बात है, तुम सही कह रही हो। मुझे बड़ा पिंच कर रहा है, मुझे बड़ा गिल्टी से महसूस हो रहा है और मेरा जमीर मुझे चिकोटियां काट रहा है। तभी तो मैं सुबह से क्लास लेने नहीं गया उनकी। मैं सोचता हूँ मैं सबको जाके बोल दूं उनको। अरे नहीं नहीं, उनसे जाके कुछ मत कहना, उनको सच का पता लगेगा तो बहुत हर्ट होगा उनको। भाभी जी कितना हर्ट होंगी। अरे सोचो तिवारी जी का दिल टूट जाएगा, वो तो मर ही जाएंगे। अरे हाँ, एक आइडिया है। एक काम करो विभू, तुम जाओ उन्हें गाना सिखाना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? बात तो सुनो, तुम वहाँ जाओ, अपना थोड़ी देर गला साफ करना, इधर उधर की बातें करना, फिर मैं पीछे से समोसे लेकर आ जाऊंगी, तुम झट से समोसा खा लेना और मुझसे कहना अनीता समोसे तो तुमने खट्टे बनाए हैं। फिर मैं ड्रामा करूंगी, कहूंगी हाँ मैंने शायद गलती से समोसों में बेकिंग पाउडर डाल दिया, और फिर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, हम कह देंगे तुम्हारा गला गाने लायक ही नहीं रहा। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो। सावित्री ने अपने पति को बचाया था यमराज से, तुमने मुझे इससे बचा लिया। लेकिन अगली बार नहीं बचाऊंगी, तो ऐसे काम मत करना। I love you. बस बस। अरे ये क्या है? लड्डू से मंगवाया है पंसारी जी की दुकान से, काढ़ा है, इससे गला साफ हो जाता है। अंगूरी तुम पथरीली जमीन पर फसल उगाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा का है कहते हैं, अम्मा जी कहती है सब्र का फल मीठा होता है। कड़वा? हाँ मीठा होता है। अरे काढ़ा जहर जैसा कड़वा। हाय दैया पी लीजिए ना, गला साफ हो जाएगा। अरे कहीं गला हमेशा के लिए साफ ना हो जाए। भाभी जी घर पर है? भाई साहब भी हैं, आ जाइए उस्ताद जी। आइए आइए। उस्ताद जी। भाभी जी आपने? उस्ताद जी के पैर छुए, सीधे हाथ से छुए। बैठिए बैठिए उस्ताद जी। शुरू कीजिए। तिवारी जी आज हम आपको सिखाएंगे राग ठुमका। थैंक यू भाभी जी। इसको गाने का समय है रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो फिर सोएंगे कब? दिन में सोइए। तो दुकान पर क्या आपके लंदन वाले चाचा जी बैठेंगे? देखिए आप उस्ताद से बहस कर रहे हैं। लड्डू के भैया कहां है बहस यार, है गाना सीखिए ना। अरे ये सिखाएंगे तब ना। सिखाइए भाभी जी। क्या होता है कि ये जो राग है ना, इसमें जो स्वर जो है ना वो नाभि से निकलता है, नाभि से। भाभी जी क्या हमारे? आप तो कैसे भी निकालिए, समझ रही हैं आप? अरे यार ये अन्नु कहाँ रह गई? जनाब ये बार बार आप पीछे क्या देख रहे हैं? अगर इस बार आपने बाहर जाकर कोई तमाशा किया ना फिर देख लेना। भैया हाँ आगे बढ़िए। तिवारी जी आपकी प्रॉब्लम क्या मालूम है? आप बदतमीजी करने लगते हैं। अरे लड्डू के भैया शांत रहिए ना, सीखिए ना। समझाइए, कुछ सीखिए इनसे, कितनी शांत है। अरे विभू विभू तुम समोसे भूल गए, मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनाए। अरे भाभी जी आप हमें कह देते हम ले आते। अरे नहीं नहीं भभूति जी लाइए, हमें भी थोड़ा चखाइए, हम भी तो देखें भाभी जी के हाथ के समोसे कैसे हैं। अरे नहीं 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 ये आप मत खाइए, मैं आपके लिए दूसरे लेके आऊंगी ना। एक्चुअली ये विभू के स्पेशल डाइट समोसे हैं, एयर फ्राइड। अच्छा ठीक है, लेकिन खाएंगे जरूर। अनु इन समोसे में कुछ खटास सी है। खटास? अच्छा
माय गॉड, ये मैंने क्या किया? क्या कर दिया? कहाँ हूँ अंता जी? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. मैंने एक्चुअली नमक की जगह समोसों में बेकिंग सोडा डाल दिया. वो कहाँ होता है? बस आप ये समझ लीजिए कि इसको खाने के बाद गला खराब हो जाता है. अदिया, ये भुगा नहीं पाएंगे. भैया नो, डोंट पैनिक. मतलब ये अब कभी गा नहीं पाएंगे? नहीं नहीं अनु, डोंट पैनिक, मैं गाऊंगा. भाभी जी, मैं जरूर गाऊंगा. फूलों का तारों का सबका क्या. डोंट वरी अनु, डोंट वरी भाभी जी, आई एम अ विनर. मैं गाऊंगा भाभी जी, मैं गाऊंगा. फूलों का तार सबका अब जब ये गा ही नहीं पाएंगे तो सिखाएंगे क्या खाक? अनु, अनु तुमने ये क्या किया? अनु, तुमने एक गवैये से उसकी आवाज छीन ली, एक नाव से चप्पू छीन लिया, एक छींकते से रुमाल छीन लिया. तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? क्या किया? पुती जी, पर पुती जी, जी, जी भाभी जी, आप साथ में रखिए. हम बोल सकते हैं, गाए नहीं सकते, मैं बोल तो सकते हैं. आप रोइए. I'm so sorry विभू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. क्या किया आपने अनीता जी? अनु, अब मैं कभी नहीं गा पाऊंगा, कभी नहीं गा पाऊंगा. आप नहीं गा पाएंगे तो क्या हुआ उस्ताद जी? अरे आपके शागिर्द हैं ना, आपके शागिर्द गाएंगे. इनकी आवाज तो एकदम भभूति जी की आवाज से मिलती जुलती है. हे भगवान जी, हमरी आपसे एक छोटी सी विनती है. ये जो हमरे लड्डू के भैया है ना, इनका तन मन कभी ना ही डोले. ये हमेशा हमरे ही रहे. और ये जो हमरा लड्डू है ना, इसको फर्स्ट डाइवर्जन में पास कर दो. फोर्थ डिवीजन होता है. सही पकड़े हैं. जुग जुग जियो हमरो लाल, हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरो पुत्र. ये लीजिए भाभी माँ. ये का है? देखिए तो. हाय दया, हैप्पी बर्थडे टू माय भाभी माँ. 16 तारीख. लड्डू, तुमको हमरा बर्थडे याद था? हाँ भाभी माँ, मैं खुद का बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन आपका कभी नहीं. हाय मेरे बच्चो, मेरे प्यारा बच्चा, थैंक यू. एक मिनट भाभी माँ, भैया ने आपको विश किया? नहीं किए. काहे नहीं किए? कहाँ है वो? हम उनको बोलते हैं. अरे लड्डू लड्डू, जगलिंग पे गए हैं. जॉगिंग. सही पकड़े हैं. लड्डू, हम कह रहे हैं कि भैया को कछु ना ही बताओ. हम ये देखना चाहते हैं कि उनको हमारा बर्थडे याद है कि ना ही. ठीक है.
भाभी माँ, लेकिन अगर भैया ने आपको विश नहीं किया तो हम भौकाल मचा देंगे। क्या भौकाल मचा देंगे बे सवेरे सवेरे? क्या है आज तो घुरन दिवस है क्या कि सब हमें घूरे जा रहे हैं? आज कहाँ डेट है? अरे हम कोई कैलेंडर है क्या जो डेट पूछ रही हो? घर में इतने सारे कैलेंडर लगे हैं, जाओ जाके देख लो। हमको पता है आज 16 मार्च है। अरे पता है तो फिर काहे पूछ रही हो? पता है आज का स्पेशल है। का स्पेशल है, है? तुम खुद को गब्बर हमको सांबा समझ रही हो का? जो बेतु के सवाल पूछ रही हो, अरे ओ सांबा, होली कब है रे? होली कब है हमको पता है, लेकिन आज का है स्पेशल, वो बता। स्पेशल का है? का स्पेशल है? अरे हाँ याद आ गया, याद आ गया। हाय भैया इनको याद है। आज 16 मार्च है ना? आज 16 मार्च ही है ना? हमको याद आ गया। अरे आज ही के दिन तो अखबार में हमारे कच्चे बनियान का एड आया है। ये देखो, चमेली छाप अंडरवियर बनियान, जो पहने एक बार वो पहने बार बार लगातार। अरे क्या बात है, हमें कभी अखबार पढ़ते नहीं देखा है क्या? देखे हैं। जाओ जाके किचन में प्रस्थान करो, जाओ। हैप्पी बर्थडे टू, एक मिनट यहाँ आओ, यहाँ। ये कौन सा गाना गा रही है? बर्थडे वाला। बर्थडे नहीं, बर्थडे होता है। सही पकड़े हैं। तो जाओ जाओ। ये अंगूरी भी अजीब है, बेमौसमी गाने गा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी कोई गाना हुआ? ऐसे गा रही है जैसे आज इसी का बर्थडे है। बताइए अंगूरी जी कैसी हैं? ई का आप मेडिसिन स्टेशन कर रही थी? मेडिसिन स्टेशन नहीं, मेडिटेशन। हाँ सही पकड़े हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? हम का है ना बड़े दुखी हैं। अरे दुखी क्यों है, क्या हुआ? का है कि आज हमारा बर्थडे है। रियली? अरे वाह, मेनी हैप्पी Happy returns of the day. Thank you. तो बर्थडे वाले दिन तो आपको खुश होना चाहिए, आप दुखी क्यों हैं? वो कहाँ है ना हमरे लड्डू के भैया हमरा बर्थडे भूल गए हैं। ओह, अरे अंगूरी जी ये तो दुनिया भर के पतियों की प्रॉब्लम है, अपनी वाइफ्स की बर्थडे और एनिवर्सरीज भूल जाएंगे, दुनिया की सारी बकवास उनको याद रहेगी। हाँ भैया, तो का भरभूति जी भी आपका बर्थडे भूल जाते हैं? ऑफ कोर्स, हर साल भूल जाते हैं वो मेरी बर्थडे। तो आप उनको कैसे याद दिलाते हैं? भाई मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, आज मेरा बर्थडे है। आज भाभी जी का हैप्पी बर्थडे है? और तिवारी तुझे खबर तक नहीं, आज के इतनी महान खूबसूरत हस्ती पैदा हुई थी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो नेशनल हॉलीडे घोषित करवा देता, जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगवा देता, भाभी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, भाभी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, प्याऊ खुलवा देता जगह जगह मैं। तिवारी जी ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ देख के चलिए। अरे हम देख कर नहीं चल रहे थे, तो आप तो देख कर चल सकते थे। ये आप मेरे घर से कैसे आ रहे हैं?
कोई काम धंधा है कि नहीं आपको? सुबह सुबह लोगों के घरों में आप सूंघते फिरते हैं, जागते ताकते फिरते हैं? जनाब यही सवाल मैं आपके मुंह पे दे मारता हूं। मैं सेक्स अपना सक्सेना घर से आ रहा हूं मैं। जनाब सक्सेना का घर तो पल्ली तरफ है, आप तो उल्ली तरफ से आ रहे थे। अच्छा ठीक है, आप मेरे घर से आ रहे हैं, मैं आपके घर से आ रहा हूँ, हिसाब बराबर हो गया। मैं सुबह सुबह आपके मुंह लगना नहीं चाहता। मैं भी इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपके मुंह नहीं लगना चाहता। कौन सा पावन पर्व? आपको नहीं पता कैसा पावन पर्व? इसका मतलब इन्हें भाभी जी का बर्थडे याद नहीं है।